और क्या हालचाल दोस्तों, आज जो मेरे पास डिवाइस है ना, ये हमें मिलता है ZTE की तरफ से, यानी कि रेड मैजिक नूबिया 6S Pro। और ये जो फोन आप कह सकते हो एंड्रॉइड की दुनिया का वर्ल्ड में फास्टेस्ट फोन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहली बात तो लुक देख सकते हो कुछ ना ज्यादा एग्रेसिव और अट्रैक्टिव है, एक प्रॉपर गेमिंग लुक भी निकाल के देता है, अंदर के पंखे वंखे सारी चीजें विजिबल हो रखी है। और जैसे फास्टेस्ट मैंने कहा क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो स्क्रीन की रिफ्रेश रेट है ना, वो हमें 90 हर्ट्ज नहीं, 120 नहीं, 144 भी नहीं, यहां पर मिलता है 165 हर्ट्ज। और साथ में इसके अंदर आता है स्नैपड्रैगन का 888 प्लस वाला 5G प्रोसेसर, और जो इसके अंदर रैम है वो 12GB की रैम है, जो LPDDR5 वाली रैम है, और इसकी स्टोरेज की स्पीड भी जो है UFS 3.1 मिलती है। और सबसे ज्यादा हिला डालूंगा वैसा वाला बात है ना, वो मिलता है यहां पर इसके अंदर जो टच सैंपलिंग आता है, जो गेमिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो भी भाई 240 हर्ट्ज नहीं, 480 हर्ट्ज नहीं, 720 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग मिलता है डूड, 720 हर्ट्ज का। इसके पहले वाले जो भाई साहब थे ना, उसका भी मैंने टेस्टिंग किया है, अगर नहीं देखा होगा तो आई बटन में कर लेना, लास्ट ईयर आया था इसका फोन रेड मैजिक नूबिया 6, सेम फोन था, बस यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंट था ना वो नहीं था, और मेरे पास जो वेरियंट था वो भी एक दूसरा कलर था। और साथ में यहाँ पर RGB भी आपको मिलती है, मतलब यहाँ पर एक जो इनका लोगो है ना वो भी चमकता हुआ नजर आएगा, जैसे देख सकते हो। तो बेसिकली इस फोन को फास्ट बनाने के हिसाब से जो चीजें इसके अंदर डाली जा सकती थी ना, सारी चीजें डाल दी गई है। इवन इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर जो चार्जर आता है ना भाई, वो भी 120 वॉट का है, अगर उसके जरिए फोन चार्ज करोगे ना 17 मिनट के अंदर पूरा फोन चार्ज हो जाएगा, और बैटरी भी 4500 mAh की है। और साथ में इसके अंदर ब्लूटूथ 5.2 है, जो फास्टेस्ट कह सकते हो कनेक्टिविटी में, और वाईफाई 6 अल्ट्रा मिलता है, तो भाई और एक लेवल आगे जा चुके हैं। और यहाँ पर जो स्क्रीन की जो साइज है ना, वो 6.8 इंचेस की आती है। तो यहाँ पर आज मैं ना आप लोगों को इसका BGMI टेस्ट दिखाऊंगा, एकदम हार्डकोर तरीके से परफॉर्म कर पाता है, और ऑलरेडी मैं टेस्ट बहुत सारे करके आ चुका हूं, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा। तो यहाँ पर जिस फोन की प्राइसिंग है, जो इसके स्पेक्स है, किस तरीके की डिटेल और किस तरीके की परफॉर्मेंस है, वो सारी बातें मैंने इसके एक डिटेल रिव्यू में कर दी है, जो भी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, जो हमारा मेन चैनल है टेकी पाठशाला, तो वहां पे वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर गेमिंग पाठशाला को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, और तगड़े वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, और भी एक खतरनाक गेमिंग फोन आ रखा है, वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी देखने मिलेगा। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले फोन का टेम्परेचर देख लो, अराउंड कुछ आ जाता है 31 डिग्री के आसपास। और यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये अंदर की तरफ पंखा है, वो ऐसा वैसा पंखा नहीं है, यहाँ पर हम आ गए, और ये इसको जैसे ही प्रेस करूंगा, ये दिख रहा है ना आपको, ओहो भाई साहब कतई ही जहर कह सकते हो, कतई अंगार। तो यहाँ पर ये क्या काम करेगा, जो 888 प्लस वाले प्रोसेसर होते हैं ना, हीटिंग बादशाह होते हैं, मतलब हीट अच्छे करते हैं, तो यहाँ से ये क्या करेगा, हवा अंदर की तरफ लेगा, और उसके बाद यहाँ से हवा बाहर छोड़ेगा, और जो प्रोसेसर के ऊपर से हवा होती जाएगी, ताकि आपका प्रोसेसर ठंडा रहे और आपको परफॉर्मेंस है ना काफी अच्छी निकाल के दे। तो वीडियो के एंड में हीटिंग वगैरह को भी लेके बता दूंगा, और फोन के अंदर भी जो बैटरी है वो 100% पर है, और जो ब्राइटनेस भी यहां पर अराउंड हम रख देंगे ऑटो ब्राइटनेस हटा के कुछ अराउंड 80% के आसपास। और सबसे अच्छी बात, गेमिंग होने के साथ साथ इसके अंदर 3.5mm का गड्ढा भी है, और ये भाई साहब जो बटन दिख रहे हैं ना, गेमिंग बटन है, मतलब यहाँ पर गेमिंग मोड के लिए, और साथ में आपको एयर ट्रिगर्स गेमिंग करना है तो वो भी यहाँ पर आपको मिलता है एयर ट्रिगर के थ्रू, अगर गेमिंग करना चाहते हो। सो यहाँ पर इस बटन को हम आ गया ना गेमिंग मोड, तो यहाँ पर है ना बहुत सारे अलग अलग गेमिंग मोड्स हैं, और जितने भी गेम्स आप इंस्टॉल करोगे तो सब यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पर गेम लॉन्च किया है, और FPS भी आपको ऑन स्क्रीन भी देखने मिलेगा, इतनी पावरफुल सब चीजें हैं। तो भाई इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो ऑफकोर्स बनती है, तो वो भी यहाँ पर एट ए टाइम पे मैं करूंगा, और फिर उसके बाद देखेंगे भाई क्या तभी भी हमें 90 FPS या अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रही है। और साथ में आप लोगों को अगर जैसे इस तरह से करोगे तो इनका ना गेमिंग मोड या फिर जो कह सकते हो आप लोग वो मिल जाता है, तो जिसके अंदर बैलेंस राइज बियॉन्ड है, तो बेसिकली क्या होगा, बैलेंस के अंदर थोड़ा सा CPU और GPU कम वर्क करेगा, जो स्पीड्स है वो कम देगा, और थोड़ी सी रेज में और क्लॉक स्पीड बढ़ा देगा, बियॉन्ड में और जाके बढ़ा देगा, इन्फिनिटी में और बढ़ाएगा, बट वहां पर आपको हीटिंग थोड़ी ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर मैं बियॉन्ड पे रख के गेमिंग करूंगा, और साथ में आपको इसमें जो टर्बो फैन देखने मिल रहा है ना, तो यहाँ से अगर क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा, जैसे देख सकते हो, और जैसे ही क्लिक करोगे वैसे यहाँ पर ये फैन चालू हो चुका है, यहाँ पर मिल जाएगा देखने। और उसके बाद में अलग अलग वॉइस चेंजिंग मोड है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर है, और जो फ्रेम रेट यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने, तो ये बटन यहाँ पर है, बाकी और अदर गेमिंग फीचर हिसाब से है। तो यहाँ पर हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू कर देंगे, जो मैं यहाँ पर करूंगा 1080p के अंदर। सबसे पहले ग्राफिक सेटिंग्स देख लो, आप लोगों को जो मिलेगा यहाँ पर स्मूथ और 90 FPS का अनलॉक होकर मिलता है, भाई साहब क्या ही कहे। और यहाँ पर बाकी जितनी भी सेटिंग्स है, बैलेंस HDR के अंदर आप 60Hz की गेमिंग कर सकते हो एक्सट्रीम में, और अल्ट्रा HD के अंदर 40FPS की गेमिंग कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं स्मूथ और 90FPS के अंदर गेमिंग करेंगे, और अगर इसमें फ्रेम ड्रॉप होंगे तब जाके मैं इसे एक्सट्रीम पर लेकर आऊंगा, ठीक है। सो भाई टच तो देखो कोई तकलीफ
इसमें एकदम भाई एक नंबर तड़ातड़ 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 टच है। और अगर तो यार इसका जो फैन चल रहा है ना वो काफी सही है, बट है ना बार बार मुझे ना वाइब्रेशन फील हो रही है यहाँ पर, तो मैं तो फिलहाल ऑफ करके खेलूंगा। ठीक है, अब देखते हैं, मुझे कुछ हीट जैसा लगता है कि नहीं। एक मैच के अंदर उतना हीट तो नहीं लगा है, अब लेट्स सी नेक्स्ट मैच में क्या होता है। सरप्राइज भाई साहब। एक बार ना इसके HDR में देखते जरा कैसा विजुअल कैसा दिखता है। और ओ भाई साहब क्या ही क्वालिटी, क्या ही ग्राफिक्स, एक नंबर। ओ फुल शाइन वाइन, बट 90 FPS खेलने का मजा अलग है भाई। भाई हम जाएंगे 90 FPS। FPS भी अगर बताऊंगा तो 85-90 FPS के अंदर लग रहे हैं मुझे, कहीं ऐसा लैग जैसा भी नहीं हुआ। फोन का जो अभी मैंने इसका पंखा बंद किया है ना, तो जिसकी वजह से ना यहाँ पर हीटिंग चालू हो गई भाई, मुझे महसूस हो रही है। तो मैं तो भाई चालू करने जा रहा हूँ पंखा ही इसका, नहीं तो फिर ये एकदम गर्मा गर्म कर देगा पूरा फोन। सो देखो TDM अरीना के अंदर जो परफॉर्मेंस थी 90 FPS की, वो 85-90 FPS के बीच में था। मुझे तो लैग जैसा कहीं महसूस नहीं हुआ और मस्त तरीके से परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था। बस अगर इस फोन को बिना कवर लगा के गेमिंग करने का सोचेंगे तो थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हीट हो रखा है। ओ कान के बाजू में फटा। तो ओहो एनिमीज तो भैया बहुत आए ले इधर। तो यहाँ पर FPS जा चुके हैं थोड़ा सा, लाइक 80 के नीचे भी गए थे हल्के हल्के। बैठे हमारा काम था उसे पूरी मुक्ति देना जो हमने दे दी। आओ हमको भी दे दी। तो देखो इरेंगल के अंदर जो 90 FPS की परफॉर्मेंस है ना वो एकदम तगड़ी और टॉप नॉच कह सकते हो। और मुझे ऐसा कोई लैग हो गया, फ्रेम ड्रॉप हो गया ऐसा कुछ नजर नहीं आया, फ्रेम चिपकना हो गया ऐसा कुछ नजर नहीं आया। पर यहाँ पर 80 से 90 FPS के बीच में आपको तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाती है, तो कोई टेंशन नहीं था। और जैसे मैंने पंखा चालू कर दिया ना तो फोन अभी प्लेबल हो चुका है पीछे से, वरना पहले थोड़ा सा अंडा पाव हो गया था, मतलब एकदम तवा फ्राई हो गया था। सो अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं शेनॉक मैप पे और जाएंगे बूट कैंप पर। देखते हैं बूट कैंप पर क्या होएगा। जो अभी यहाँ पर अगर ड्रॉप हो गया, यहाँ पर 70 के नीचे आ गया तो 888+ लाइक मजा नहीं आया भाई तेरे साथ, वैसा वाला बात हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे मालूम है, हम जाएंगे सेंटर बिल्डिंग पर। और सेंटर बिल्डिंग पे बहुत बंदे उतरते हैं और वहां पे रोड़ता है पूरा रगड़ा पाव, एकदम बोलते हैं ना मसाला पाव जो भी कह सकते हो। फ्रेम ड्रॉप वहां पर और ज्यादा अच्छे पता चल जाते हैं। ये हम उतर चुके हैं टेरेस वहां पे और मेरे पीछे भी उतरा है कोई। अबे भर दिया 75 FPS, मुझे कुछ नहीं मिला यहाँ पर, मैं निकल गया वहां से। चलेगा 70 FPS के आसपास आए, एक को निपटा है। अरे अरे निपटा दिया खादे ने। पर आप लोगों ने FPS देखे रहेंगे कि कितने लोग थे, एक बार 70 के आसपास FPS आए थे। और ये हम चले फिर से एक बार इन समंदर की गहराइयों में मार खाने।
भर दिया इसने तो। अरे भाई इतने सारे बंदे। तो देखो यहाँ पर हमारा गेम प्ले तो होता है कंप्लीट, पंखा वंखा चालू है, और जब पंखा चालू था ना तो यहाँ पर लाइक लिटरली थोड़ा ठंडक हो गई थी, और फोन का टेम्परेचर भी लाइक देख सकते हो 43 डिग्री तक गया था, और जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर भी मैंने यहाँ पर नोटिस करा ना वो यही आपको देखने मिल रहा है, मतलब इस पर मेंटेन रहा 43 डिग्री पर ऑलमोस्ट मेंटेन था। और अगर बैटरी बात करें तो 71% पर आ चुकी है, और ऑलमोस्ट मैंने ना 1 घंटे के आसपास तक की गेमिंग करी है, तो यहाँ पर टीडीएम की परफॉर्मेंस एकदम दमदार तगड़ी, और उसके बाद में इरेंगल तगड़ी कह सकते हो, एकदम 90 FPS कह सकते हो, अराउंड आप बोल सकते हो ना लाइक 80 से 90 FPS के बीच में आ रहे थे। और रही बात बूट कैंप पर, तो वहां पर थोड़े से FPS 70 FPS पर आए थे, लेकिन वहां पर भी कह सकते हो कि 70+ आपको FPS मिल रहे थे इस भाई साहब रेड मैजिक नूबिया 6X Pro के अंदर। बाकी दोस्तों यहां पर ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, पसंद आया कि नहीं आया? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर आपको करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को सपोर्ट आपको जरूर से जरूर दिखाना है, और इसका डिटेल वीडियो देखना है तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। तो इसी तरीके के ना और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलेंगे, और अलग अलग डिवाइस देखने मिलेंगे जिसके अंदर हम लोग BGMI टेस्टिंग और उनका क्विक रिव्यू आप लोगों को बताएंगे इस चैनल पर, और वहां पर आप लोगों को उसके बारे में सारी बातें बताएंगे, गेम प्ले कैसा है क्या नहीं है। बाकी रही बात यहां पर, ये फोन गेमिंग के हिसाब से काफी दमदार और तगड़ा निकल कर आता है भाई साहब। तो भाई यहां पर अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरीके के मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय।